गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे और हम रिव्यू भी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास तो टोटल 3 बॉक्सेस हैं, तो पहले स्टार्ट करते हैं फिर आप अपनी वीडियो। पहला बॉक्स मेरे पास ये है, आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। दूसरा बॉक्स मेरे पास ये है, ठीक है, और तीसरा बॉक्स मेरे पास ये है। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इन दोनों का हम रिव्यू करेंगे। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये चक्कू को हम साइड में रख देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी। ओके, ये एज यूजुअल सबके अंदर होता है कार्ड, घास फूस, ये हमारे काम की चीज़। ये है हमारा प्रोडक्ट। ओ मैंने उल्टा पकड़ा है, सॉरी। ये हमारा प्रोडक्ट है, इसका नाम है बायोक्यूल नो मोर एक्ने एंटी एक्ने सिरम। ये ना न्यू लॉन्च है, ये अभी थोड़ा टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, तो मे बी आपने इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं होगा, बट प्रोडक्ट अच्छा है ये। तो बेसिकली ये ना ऑयली स्किन वालों के लिए होता है, क्योंकि देखो जिनकी स्किन ऑयली होती है उनकी स्किन के अंदर सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो जिनके उनके लिए ये प्रोडक्ट है कि वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, उनकी उनकी जो एक्ने है और उनके जो ब्लेमिशेस है वो उनको कंट्रोल करता है, मतलब एक्ने को कंट्रोल करता है, और एक्ने होने के बाद में जो हमारी स्किन पे वो ब्लेमिशेस और डार्क स्पॉट्स छोड़ जाता है वो उसे भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। मेरा कैमरा थोड़ा सा फोकस में नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं। ये खुलता कैसे है? एक अच्छा, ठीक है, ये ऐसे खुलता है। अरे नए स्टाइल की खोलने वाली चीज़ है इसके अंदर, फिर से उल्टा पकड़ा मैंने, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिखता है, और इसकी ये जो इसकी बाहर वाली जो पैकिंग है, इसके ऊपर आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, इनकी वेबसाइट, इनका ये स्कैन और इनका बारे में सब कुछ। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। और अभी इसको हम ट्राई करके देखते हैं। एक मिनट यार, समझ नहीं आ रहा ये खुलता कहाँ से है। अच्छा ठीक है, अरे नए टाइप की पैकिंग है भाई इसकी, अलग टाइप से खुलता है ना। जितने प्रोडक्ट्स अभी तक ट्राई करे हैं वो तो ऐसे नहीं खुलते थे। अरे वाह, क्या प्रोडक्ट है, मस्त है ना, कितना सुंदर है देखने में। 799, फोकस नहीं हो रहा, कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा। 799 का है, और एक साल की आपको इसके अंदर शेल्फ मिलती है ना, शेल्फ लाइफ एक साल की है इसकी, ठीक है। सो वीडियो 3 मिनट की हो चुकी है, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ ऐसा ये पंप के साथ आता है, एंड लेट्स ट्राई। कुछ बाहर क्यों नहीं आ रहा? थोड़ा सा शेक करते हैं इसको, इतना शेक करने के बाद में इतना सा निकला है, थोड़ा सा शेक करना पड़ेगा। सी ओ, कंसिस्टेंसी इज गुड। यार जिसके ऊपर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो ख़राब हो गया। देखो कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी है, ठीक है। और कुछ सीरम्स ना ऐसे होते हैं, जो पानी पानी जैसे होते हैं। इसको मैं बाद में बंद कर लूँगी आराम से, क्योंकि ऐसे भी मुझे इसको बंद करना नहीं आ रहा है। कुछ सीरम्स ना ऐसे होते हैं जो ना पानी पानी जैसे होते हैं, तो उनको लगा के ना ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने ना कुछ लगाया भी है, बट ये ना वैसा नहीं है, ठीक है। इसके अंदर ना एक ओलीनेस सी है। तो अब देखो हम नेक्स्ट पैकेजिंग ओपन करते हैं। एक सेकेंड। 2000 years later। अच्छा मैंने उल्टा पकड़ा, ठीक है। सो लेट्स ओपन दिस। ये हमारे पास पहले से ही अनबॉक्स पड़े हैं, और ये सिर्फ रिव्यू के लिए हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट है अपने पास में एक्वा बूस्ट हाइड्रेटिंग सीरम। ये सारे स्किन टाइप्स के लिए है,
ठीक है 30 ml, और इसकी पीपी भी इसकी पीपी 699 है। सी इसकी पीपी 699 है, ठीक है। शेल्फ़ लाइफ 1 साल की है इसकी। और फटाफट से इसको ओपन करते हैं। एक्वा बूस्ट हाइड्रेटिंग सीरम बेसिकली आप ना उन उस वे में यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई रहती है तो ये ना आपकी स्किन को ना बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड सा फील कराएगा, अगर आपकी स्किन ड्राई वगैरह रहती है तो, ठीक है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड फील कराएगा, और उसके अंदर ना एक थोड़ी सी ना, जैसे अभी सर्दियों का टाइम है तो थोड़ी सी चमक बनी रहती है, और कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि कुछ लोगों की स्किन ना ऐसी होती है जिसके अंदर ना वो लोग कितना भी कर लें बट फिर भी सर्दियों में भी ड्राई रहती है और गर्मियों में भी, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको भी ट्राई करके देखते हैं। लेट्स शेक ट्राई। नहीं आया यार ये ना, एक पंप में नहीं आता, इसको ना बहुत शेक करना पड़ता है, फिर जाके ना इसको बहुत ज़्यादा ऐसे जोर लगाना पड़ता है, फिर जाके ये ऐसे आता है। कंसिस्टेंसी सुपर्ब है, सुपर्ब, बिल्कुल भी वैसा नहीं है, पानी पानी नहीं है, कूलिंग इफेक्ट दे रहा है यार, ठंड में ठंड लग रही है इसको, मुझे लगा के बहुत ज़्यादा बहुत कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। वैसे क्या थोड़े टाइम के लिए मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया था, तो मैंने बेसिकली ये वाला यूज़ किया था क्योंकि एक्ने तो मुझको है नहीं, ड्राई स्किन है मेरी, तो मैंने ये यूज़ किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी स्किन में काफ़ी ज़्यादा इसने एक ग्लोई इफेक्ट सा दिया था। ये सब मैं बाद में बंद करूँगी, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट, टाइम नहीं है, 7 मिनट की वीडियो हो चुकी है और मुझे अभी इसको अनबॉक्स भी करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। ये ना मेरे को ये स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, ऐसे क्रॉस मार के इसको ऐसे खोलने वाला। यह हमारा प्रोडक्ट है, ये बबल रैप ना मुझे बहुत मज़ेदार लगता है, बचपन में ना इसको ना हम ऐसे 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 करके ना चटाके बजाते थे, बहुत मज़ा आता था, बट अब बड़े हो गए तो डांट पड़ती है घर पे ऐसी हरकतें करने से। फिर से मैंने उल्टा पकड़ा। यह हमारी नई ओपनिंग है। यस लेट्स ओपन दिस। वो फिर से वही कार्ड। ओ इसके अंदर इस बारी घास फूस नहीं है, घास फूस ख़त्म हो गई थी लगता है उनके पास, तो घास फूस नहीं डाली। ये बिल है, मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या है। हाँ ये मिस्ट्री है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी मिस्ट्री है, मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या। ओह वाह, बायोक्यूल द काम सूदिंग सीरम, ये वाला सीरम मेरा फेवरेट सीरम है, मैंने यही लिए है बहुत सारे, ये वाला मेरा एकदम फेवरेट सीरम है। ये पता है ये ना स्किन को ना बहुत ज़्यादा ना काम कर देता है, मतलब जैसे आपकी स्किन अगर इरीटेटेड है, जैसे गर्ल्स है वो क्या है कि आईब्रोज बनवा के आया, अपर लिप्स बना के आया, तो जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाती है ना। ये देखो इसकी पीपी 699 है, कैमरा फोकस नहीं कर रहा मेरा, सॉरी छोड़ो, इसकी पीपी 699 है और 1 साल की शेल्फ लाइफ है इसकी, ठीक है। ये ना ये भी बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लगता है, इसकी क्या कहते हैं अब मुझे आ गया है खोलना, और ना पहले वाले में ना एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था तो मैंने डायरेक्टली यूज़ किया था, मैंने पैकेजिंग ओपन नहीं की थी तो इसलिए मुझे ना खोलना नहीं आ रहा था। यार ये खुल ही नहीं रहा है, इतना टाइट है। फाइनली खुल गया। सो अभी इसकी मस्त वाली पैकेजिंग ओपन करते हैं। यार ये मस्त है इसका खोलने का स्टाइल, यार मस्त मज़ा आता है इसके अंदर। यार इनकी बोतलें बड़ी सुंदर सुंदर है ना, ये मतलब नया सा ही स्टाइल लगा एकदम ही।
द बायोक्यूल द काम सूदिंग सिरम। ये आपकी स्किन को काम करने में हेल्प करता है। आपकी स्किन अगर टैंड है तो वो उसको टैनिंग रिमूव करने में हेल्प करता है। आपकी स्किन इरिटेटेड है, आपका बाहर ज़्यादा काम रहता है, आपका पोल्यूशन वगैरह में ज़्यादा रहता है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट सीरम है। आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एंड बायोक्यूल के सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। लेट्स शेक इट। शेक के बिना आता नहीं आया बाहर, ठीक है यार। ये एक पंप में आता क्यों नहीं है? प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन ना इसका ये एक पंप में ना ये बाहर नहीं आता यार। सी ओ सी, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा थिक है पिछले वालों से। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा थिक लगी मुझको। ठंडा इफेक्ट दे रहा है, ठंडा इफेक्ट दे रहा है। प्रोडक्ट्स अच्छे हैं बायोक्यूल के। ये वाला प्रोडक्ट भी अच्छा है, इसका टोनर भी आता है वो भी बहुत अच्छा है। इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं वैसे, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। न्यू लॉन्च है सो क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज़ पक्का नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी अच्छा लगा मुझे पैकेजिंग और इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इतनी रेंज में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिलना, क्वांटिटी थोड़ी सी हाँ ठीक है थोड़ी कम लगती है, बट वैसे प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो एंड कमेंट करके बता सकते हो वीडियो के नीचे। अगर किसी को ये चाहिए हो तो हमें इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, ठीक है। एंड नीचे कमेंट्स में भी आप हमसे कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हो। सो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।